टीचर आंटी समीना और मेरे पास है आपको दिखाने के लिए कोई चीज। ये क्या है? ये फूलों की पत्तियां हैं। और जब कभी हम किसी से बहुत खुश होते हैं या उसका वेलकम करते हैं तो हम उसके ऊपर फूलों की पत्तियों को डालते हैं और इस तरीके से हम उसका वेलकम करते हैं। और कभी कभी हम फूलों का गुलदस्ता भी अपने मेहमान को पेश करके उसको वेलकम करते हैं। और कभी कभी इन्हीं फूलों के हार बनाकर भी हम मेहमान के गले में डालते हैं और उसको खुश आमदीद कहते हैं। और जब कभी बहुत बड़ा मेहमान आए जैसे वजीर आजम या सदर, फिर हम झंडियों को हिलाते हैं और झंडियों को हिला हिला के नारे लगा लगा के हम उसको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ साथ हम तालियां बजाते हैं और अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। इसी तरह बच्चों, आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसमें लोगों ने ना तो झंडियां हिलाई, ना तो फूल पेश किए, बल्कि एक अनोखे तरीके से उसका इस्तकबाल किया कि उन्होंने दरख्तों की टहनियों को तोड़ा और दरख्तों की टहनियों को तोड़ के उसकी राह में बिछाया और उसको वेलकम किया। और ये वेलकम ऐसा वेलकम है जो कभी किसी ने किसी का नहीं किया। बच्चों, क्या आप ये कहानी सुनोगे? मैं आपको सुनाऊंगी। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में से दो शागिर्दों को बुलाया और कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेंगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो तो उनको कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है और तुम उसे मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह के शागिर्द यीशु की बात सुनकर सामने के गांव में जाते हैं और वहां जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही गधा और उसके बच्चे को पाते हैं। और वो उस गधे को यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु के शागिर्द उस गधे के ऊपर कपड़े डालते हैं और यीशु मसीह उस पर सवार हो जाते हैं। वहां जो बहुत सारे लोग जमा थे वो यीशु को बहुत प्यार करते थे, वो यीशु से बहुत खुश थे क्योंकि वो यीशु को अपना बादशाह बनाना चाहते थे। और जब यीशु मसीह गधे पे बैठकर उनके दरमियान आ रहा था तो उनकी खुशी की इंतहा ना थी। वो तो ऐसा ही बादशाह चाहते थे जो उनको रोटी भी खिलाए, जो बीमारी में उनको शिफा भी दे और जो उनकी मदद भी करे और उनसे प्यार भी करे। ये बादशाह उनको बहुत पसंद था। सो इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी के मारे उन्होंने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और साथ साथ उन्होंने दरख्तों की टहनियों को तोड़ा और उन टहनियों को भी राह में बिछाया। और खुशी के मारे वो नारे लगा रहे थे, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। खुशी से वो नारे लगा रहे थे और साथ साथ वो दरख्तों की टहनियों को हिला भी रहे थे, बिछा भी रहे थे और नारे लगा रहे थे, आलमे बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, इब्ने दाऊद को होशना। उन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पसंद नहीं था कि लोग यीशु के नारे लगा रहे हैं और यीशु को वेलकम कर रहे हैं, यीशु को खुशामदीद कह रहे हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह, अपने शागिर्दों को डांट और इन्हें मना कर कि ये नारे नहीं लगाएं। और यीशु ने तो बड़े प्यार से उनको जवाब दिया, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और वो मेरी हम तो तारीफ करें। इस तरह बच्चों, उन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह माना और बादशाह जानकर उसकी ताजीम भी की, उसकी इज्जत भी की और उसके लिए नारे भी लगाए और दरख्तों की टहनियों को हिला हिला कर उसको मुबारक भी कहा। अब मेरा और आपका काम है, क्या मैं और आप भी यीशु को अपना बादशाह जानते हैं?
अगर हम उसको अपना बादशाह जानते हैं और अपना बादशाह मानते हैं, तो फिर बच्चों हमें यीशु मसीह को अपने दिल में रखना है और अपने दिल का बादशाह बनाना है और अपने दिल में यीशु मसीह की ताजीम करनी है, बल्कि जुबान से भी करनी है, उसकी हमद तारीफ के गीत गाने। उस वक्त उन्होंने नारे लगाकर कहा, आलम बाला पर होश आना, मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम पर आता है। आज मैं और आप भी उसको मुबारक कह सकते हैं, हमद तारीफ के गीत गाकर, उसकी स्ताइश करके, उसकी हजूरी में बजा कर, गा कर, दुआ करके उसकी हमद तारीफ कर सकते हैं और उसको बादशाह मान सकते हैं, अपने दिल में भी, अपनी जिंदगी में भी और अपने घरों में भी। हमारे घरों में भी यीशु बादशाह आना चाहिए, यीशु बादशाह हमारे साथ आए, हमारे साथ रहे और हम उसकी हजूरी में खुश और मसरूर हों। आपको बच्चों ऐसा करना है ताकि ये बादशाह, जो सिर्फ दुनिया का बादशाह नहीं है बल्कि आसमान और जमीन कुल जहान का बादशाह है, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है। सो आज मुझे और आपको इस बादशाह को मुबारक कहना है और इस बादशाह की तारीफ करनी है और इसकी हम्द करनी है। खुदा आपको बरकत दे। बच्चों हम आज की आयत सीखेंगे जो है मत्ती की अंजील 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत, जिसमें लिखा है, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। एक दफा फिर, मत्ती की अंजील 21वां बाब 9वीं आयत, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। जिस तरह मैंने आपको सिखाया कि हम उसको अपना बादशाह मान सकते हैं, जब हम उसकी तारीफ करें तो हम खुदा की तारीफ करेंगे, होशना होशना, इब्ने दाऊद को होशना, सारे मिलकर आज कहो होशना होशना, होशना होशना, इब्ने दाऊद को होशना, सारे मिलकर आज कहो होशना होशना। मेरा ख्याल है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई। इससे पहले कि मैं आपसे रुखसत हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। खुदावंद खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हर उस बच्चे के लिए दुआ करती हूँ जिसने इस कहानी को सुना है। मैं इन बच्चों पे बरकत चाहती हूँ, इन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र की दराजी दे, ये हमेशा तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं और ये हमेशा अच्छे बच्चे बने रहें और इनके वसीला से तुझे जलाल मिले। ये अपने माँ बाप की भी इज्जत करें और अपने बड़ों की भी इज्जत करें। इन्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।